नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। लड़की से एक ही दिन में पहले रेप फिर गैंगरेप। 15 साल की किशोरी देर रात प्रेमी से मिलने गई थी, उसने दुष्कर्म किया। वहां बाइक सवार तीन युवक पहुंचे और सामूहिक कुकर्म किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की एक ही दिन में दो बार दुष्कर्म का शिकार हुई। छात्रा अपने साथ पढ़ने वाले प्रेमी से मिलने देर रात गई थी। पहले प्रेमी ने उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान बाइक सवार तीन युवक पहुंचे तो नाबालिग प्रेमी छात्रा को छोड़कर भाग निकला। इसके बाद युवकों ने लड़की से गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 साल की किशोरी का स्कूल में ही साथ पढ़ने वाले लड़के से प्रेम प्रसंग है। दोनों ने छिप छिप कर मिलते थे। 15 अगस्त की रात करीब 1 बजे लड़के ने गांव के पास ही सुनसान जगह पर छात्रा को मिलने के लिए बुलाया। लड़की उससे मिलने पहुंची तो वहां लड़के ने दुष्कर्म किया। इसी बीच बाइक की आवाज आए तो लड़का उसे छोड़कर भाग निकला। इसके बाद लड़की अकेले ही घर जाने लगी। रास्ते में रात करीब 3 बजे पहुंचे बाइक सवार तीन लड़कों ने उसे रोका और उठाकर जंगल की ओर ले गए। वहां नहर किनारे उसके हाथ मुंह कपड़े से बांध दिया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग निकले। लड़की किसी तरह से तड़के करीब 4:30 में अपने घर पहुंची। हालत देखकर मां ने पूछा तो उसने प्रेमी के दुष्कर्म करने की बात बताई। थाना प्रभारी जयतेंद्र दहरिया ने बताया कि लड़की के पिता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है। वो अपनी मां के साथ गांव में अकेली रहती है और पढ़ाई करती है। इस प्रकरण में 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मामला पीड़िता के प्रेमी का है और दूसरा गैंगरेप का है।